पहन के देख लो, उल्टा कर दियो क्या? पैसे मम्मी से मांग के, पापा से, ये हो सब तुम्हारे खर्चे में दिए मैंने। तुम्हारे घर आएंगे वो, कर लेना यार बात इतनी सी। माँ 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 क्या कर लेगी? तो फिर अपने दोस्त को भेजो मेरे पास पैसे वसूल करने के लिए। माँ के लिए कुछ भी प्यार नहीं है। तू खेलता है, हारता तू है, तो अपने दोस्तों को यूं क्यों बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाके पैसे वसूल कर लो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे क्या करते हैं? जो माँ अपने बेटे को नहीं संभाल पाती वो मुझे आके ज्ञान दे रही है। तुम्हारे बेटे पता है कितने जुआ खेलते हैं? तुम्हारे बेटे के दोस्त जो भी कर्जा है ना वो आके मेरे से वसूल करते हैं, उनको मैं पैसे देती हूँ, कहाँ से दूंगी? मेरे भाई ने इतनी मुश्किल से रक्षा बंधन पे मेरे को पायल लगा दी थी, इतने प्यार से वो तक बेच दी, मैंने कान के बेच दी, मेरी मम्मी ने बनवाए थे, चैन बेच दी, सब कुछ बेच दिया, रिंग तक बेच दी, कुछ भी नहीं है। मैंने ये चांदी के रिंग पहन के घूम रही हूँ मैं, कुछ वैल्यू है इसकी? मुझे पता है ना। और तुम्हारा बेटा मेरे साथ 2 साल से है, मैं भुगत रही हूँ इसके कर्जे, आपको नहीं पता ठीक है? आपने तो बोल दिया मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है ना मेरे बेटा, और क्या मत देना, हिम्मत मत कर लेना मेरे बेटे लिए उल्टा सीधा बोलने की, समझे? मैं तो यही बचाऊंगी तेरे में, याद रखना। अच्छा आप मेरे में बचाओगे? इतना सीधा है वो, तो आगे पूछना पड़ोसी से भी। सीधा है? हाँ, तो आगे तो देखना पड़ोस में आके बात तो क्या कर। देखूं मैं पड़ोस में आके? वो इतना पूजा पाठ वाला जुआ खेलेगा, दारू पिएगा। बस आंटी आपको कुछ नहीं पता ठीक है, मुझे पता है वो 2 साल से मेरे साथ रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकती। आप नहीं मान सकते? कैसे नहीं मान सकते, मतलब आपने सोचा आपका बेटा बहुत अच्छा है? आग उठा के चलता नहीं है ऐसे, वो तो कह रही है जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है, तमीज में रहे, तमीज में जरा मैं बच्चे के लिए एक शब्द भी मत बोल दे रहा। क्यों नहीं बोलूं? आपका बेटा है ऐसा, वो कर्जे वाले मेरे घर पे आते हैं, बोल रही है पैसे। मैं तो झूठ बोल रही हूं, नहीं मैं मतलब मैं उसके साथ 2 साल से हूँ, उस लड़के के साथ, उसने मेरे से शादी तक का वादा कर लिया। बबू तो 2 साल से, आज तक तो उसने मुझे कभी बताया नहीं कि मुझे कोई लड़की पसंद है, क्या मैं उसके साथ रह रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मेरा कोई सबूत है? 100 बार पूछ चुकी मैं उससे, इतना सीधा है वो, इतना सीधा है कि आसपास के लोग भी कहते तुम्हारे लड़का कितना सीधा है। तभी जुआ खेल रहा है, कभी कुछ कर रहा, कभी कोई, और मैं कैसे मान लूं आपका सीधा? आप भी नहीं दिखा सकते कोई प्रूफ नहीं, तो ऐसे मैं भी कोई प्रूफ नहीं दिखा सकती। मेरे साथ है 2 साल से, उसने मेरे साथ ये बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा, साथ में रह ठीक है, छोटे मोटे चलो खर्चे कर लूंगी, मगर मैं जुए के पैसे कहाँ से उतारूंगी? उसके कर्जे वाले मेरे घर पे आके वसूल कर रहे हैं। जुआ खेल ही नहीं सकता हमारे घर में, ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं, मेरे घर के संस्कार ऐसे कि वो बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो खेलते हैं जुआ, दोस्त उसके दोस्त यार, पता नहीं कैसे संस्कार दिया, और आप आके मेरे को बोल रहे हो? ज्यादा बकवास मत कर समझे, मेरे संस्कार पे उंगली मत उठा, नहीं तो तुझे बता दूंगी मैं क्या चीज हूं। बोल रहे दूसरी की लड़की पे उंगली उठा रहे, मैं गलत हूँ? मैं कैसे गलत हूँ? आपका बेटा गलत है। जब मैं देखूंगी ना दूसरी लड़की को, बोल दो तू ऐसी तैसी में जाओ, अपनी मतलब इज्जत कोई अपनी इधर उधर करके आओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं। यही बुला लेते, बता देंगे। हाँ तो उसको एक मिनट ज्यादा बोली मत बनो आप, ठीक है? जितनी बोली हो अपनी बोली अपन ना अपने अंदर ही रखो। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी बोली हो ना अपना बोलापन अंदर ही रखो। ऐसी मैंने बहुत सारी आंटियां देखी है यहाँ पे आके टूट टूट बाजी करती है, उनको अपने बेटे की असलियत पता नहीं होती, समझ आ रही है? तो इतना ज्यादा बोले बाजी मत, नीचे बैठो आप, शांति से नीचे बैठो, बुला लो हलवा, ऐसे बुला लो, मजाक समझ रखा? कोई बात, हम अपने तरीके से बुलाएंगे, आपके तरीके से चलेंगे क्या? आपके तरीके से यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए? जो आप बोलोगे वही करेंगे? बुला के बुला क्या दिखाए? अभी यकीन नहीं आ रहा? जब इज्जत इज्जत का वो हो जाएगा ना, फलूदा हो जाएगा ना, जब इनको शांति मिलेगी। अब इनको समझा रहा हूँ, अब इनकी समझ नहीं आ रही। इनके लड़के जब बेटा आएगा ना वीडियो में, बेटा भी दिखेगा, माँ भी दिखेगी, फिर पड़ोसी बोलेंगे हाँ तेरा बेटा तो जुआ खेलता है, तेरा बेटा तो ये करता है। जब समझ आएगी दूसरी की बेटी को, कुछ भी बोल लो। नहीं आपको पता भी है उसका? नीचे बैठो, छोड़ो ना इसको, नीचे बैठो, हटाओ। मैं तो सोची कैसे संस्कार देते, पता नहीं मामा। दूसरों के घर के गोल्ड बिकवा दो, चेने बिकवा दो, अपने हाथों में गोल्ड पहन लो, ये परंपरा इनके घरों की, ये मतलब ये सिखाया गया इनको है ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके बेटा, मेरे को बहुत खुशी हुई आपके बेटे की ये सारी चीजें जान के। अब मैं बोलूं कुछ? बुलाना उसको, बुलाओ आप, बुलाओ आप, थोड़ा आराम से बैठेंगे, परेशानी में क्यों आ गई आप? आपको लग रहा है आपका बेटा गलत है इसलिए है? ऐसी बात नहीं, बुलाओ ना। तो आप ऐसे परेशान क्यों हो गए एकदम से? कोई दिक्कत परेशानी है? पता लग जाएगा ना उसकी सच्चाई की, वो क्या कैसा है, कैसे नहीं, कैसे जुआ खेलता है। हाँ, उसका कर्जा अच्छा, होता है। इससे डर रहे हो आप? इस चीज से डर रहे हो? मतलब आपको पता है अंदर खाने? नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। तो आप थोड़ा अभी आप सुनना, अभी मैं आगे क्या क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है जी? ओके थैंक यू। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? हम आ चुके और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। हेल्प किसकी करने के लिए आ रखे? आंटी के बेटे की गर्लफ्रेंड की।
मतलब आंटी की हेल्प करने के लिए नहीं आ रखे, आंटी का जो बेटा है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो हमारे साथ बैठी हुई है, उसकी हम हेल्प करने के लिए आ रखे हैं। हेल्प क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आप बोलोगे कि भाई हेल्प जब कुछ नहीं है तो इनको बुलाया क्यों, ये लड़ क्यों रही हैं, सारी बातें पूछोगे। सब्र रखो, सारी चीज़ें बताऊँगा। इसकी एक गलती है, गलती पता है क्या है? कि ये अपने बॉयफ्रेंड से अंधाधुंध प्यार करती है। मतलब अगर अंधाधुंध किसको कहते हैं, मतलब अंधा ट्रस्ट करती है। अगर वो उसको बोलेगा ना कि यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही होगी, लेकिन ये मानेगी कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला तो मतलब वहाँ बारिश हो रही है। इतना अंधा ट्रस्ट करती है, क्योंकि प्यार होता ही अंधा, मतलब किसी के साथ भी हो जाता है। इसको एक जुआरी के साथ हो गया जो दिन रात जुए खेलता। अब ये जब भी इसका बॉयफ्रेंड जुए में पैसे हार जाता है ना, तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों को बोल देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाके अपने पैसे वसूल कर लो, ऐसे ही बोलता है। तो इन्होंने क्या करा, दो तीन बारी तो अपने मतलब जो भी गोल्ड वगैरह इन्होंने क्या क्या बेचा जी, बताना एक बारी। मेरे भाई ने पायल दी थी रक्षाबंधन पे, वो बेच दी मैंने। कान के इयररिंग बेच दी, मम्मी ने इतने प्यार से बनवाई। एक बारी वीडियो में दिखाओ कि आपने इयररिंग पहने भी है, नहीं दिखाओ एक बारी। मैंने देखो ना, खाली है बिल्कुल, पैर में पायल भाई ने जो दी थी वो भी नहीं है, और ना चैन है, कुछ भी नहीं। ये चैन वो है, मतलब लोकल जो मतलब कैनॉट प्लेस वगैरह चांदनी चौक वगैरह में मिलती है वो है। क्योंकि यार लड़की है, चैन वगैरह हाथ में, मतलब हाथ भरे हुए जब होते हैं ना लड़की के, गले में चैन होती है तो अच्छा लगता है। और इनके मम्मी पापा ने इनको इसीलिए लेके दिया था, मेहनत से कमा के ये वो करके। और इन्होंने क्या करा, अपने प्यार के लिए वो पैसे और अब वो गोल्ड वगैरह बेच के अपने मतलब बॉयफ्रेंड के पैसे वसूल कर दिए। अब इन्होंने कहा कि इसके दोबारा मतलब ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें इंडिया जीता था, तो आप कह रहे थे कि उसके दोस्त दोबारा आए मतलब पैसे लेने के लिए। फिर खेला गया उसने जुआ कहीं, तो उसके दोस्त मेरे से वसूल करने आए मेरे घर पे। मम्मी कहाँ से देगी, मतलब उसके बोलने की तमीज़ देख रहे हो, उसके बोलने की लैंग्वेज देख रहे हो आप कि जा मेरी गर्लफ्रेंड से वसूल कर। अरे कब तक देती रहेगी तुम्हारे बदले पैसे? अब ये चाहती है कि या तो मैं उससे प्यार कर लूँ, उससे शादी कर लूँ, या तो शादी करने का भी भाई एक लॉजिक होता है कि बंदा कम से कम सुधरा हुआ तो हो शादी से पहले, जब उसके ये हाल हैं तो शादी के बाद क्या हाल होंगे। उसके लिए हमने उनकी माँ को बुला रखा, और यहाँ पे माँ का तो आपने देख लिया तांडव। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, पड़ोस की आंटी से पूछ लो, पड़ोस के अंकल से पूछ लो, पड़ोस की बेटी से भी पूछ लें। कोई है वहाँ पे रहती है आपके आसपास, शिल्पा, मीना, टीना, माला, कोई है? रहते हैं पर मैं नहीं मान सकती जब तक मेरे को। तो आपकी आवाज इतनी स्लो क्यों हो गई, क्या हुआ? जब तक मुझे तो झटका आवाज आई नहीं, मुझे तो झटका लग रहा है कि झटका आ रहा है, तो आप बोलो ना कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। आप शांत से क्यों बैठ गए? नहीं पता लग गया होगा ना, नहीं मान सकती वो है ऐसा, क्योंकि इसके पास प्रूफ है। क्योंकि इसके ना ये कान के हेयरिंग जो गोल्ड के थे ना, इसने बेच दिए। चप्पलों से मारूंगी, होगा तो मैं उसे जेल डालूंगी, देख लेना। जो करते ना पहले करते, अपने बेटे को संभाल लेते। जो माँ अपने बेटे को संभाल नहीं रही, दूसरी की बेटी पे आके उंगली उठा रही है कि तू ऐसी नहीं, तू ऐसी है। क्या करना है, मतलब क्या रहना है उसके साथ, नहीं रहना, थोड़ा बताओ आप हमें, समझाओ क्या सोचा है आपने अपनी जिंदगी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। मैंने ये सोचा कि उसको दिलो जान से मैंने इतना प्यार किया उसको, मगर वो ऐसा निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। ये अगर ये चीज़ें छोड़ भी है ना, मैंने उसको मौका भी दिया, मैंने कहा छोड़ दे, बोला कि ठीक है छोड़ूंगा, मगर छुप छुप के फिर भी वही काम करता रहा। और मैं कहाँ तक दूंगी, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, मेरे माँ बाप इतने टेंशन में आके, जितने भी इनकी सेविंग बनती मैं सब इसके कर्जे में उतार रही हूँ, और उन्हीं की मम्मी आके मेरे को ऐसा बोली, मैं कैसे। अच्छा तुमने उनकी मम्मी को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि सच्चाई पता लगे, सच्चाई, और ये आपको ये आगे बुरा बोल रही है, मेरे को ये आगे बुरा बोल रही है। बस मैं ये चाहती हूँ जो भी मेरा माँ बाप ने मुझे इतनी प्यार से चीजें दी थी वो मुझे वापस मिल जाए। अगर वो सुधरता है तो ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अगर आपका बेटा हमने यहाँ पे बुला लिया जी, हमें कोई सुन रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलो। अगर आपकी बेटी यहाँ पे आपके बॉयफ्रेंड को, मतलब आपके बेटे को बुलाती अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे, हाँ जी। अगर आपका बेटा गलत निकलता है तो मैं ही उसे जेल कराऊंगी। अरे जेल को तो मारो गोली ना, आप अपना करवाते रहना, इसका गोल्ड इसके इयररिंग कौन देगा? मेरे माँ बाप ने जितने प्यार से दिए मुझे, बड़े है ना, अभी उतार के देने की हिम्मत है नहीं है? दे दूंगी, पर उसके सामने पहले वो सामने आ जाए, बताए कि हाँ। अगर आपका बेटा गलत होगा, हाँ तो मैंने बताया ना, मेरा बेटा गलत होगा तो मैं इसके साथ जो भी इंसाफी हुई है वो मैं करूंगी, जो भी इसका नुकसान हुआ है वो मैं भरूंगी सारा, चाहे जेबर का हो। अच्छा, तो आपको ये नहीं बताता कि आपकी बेटे की 2 साल से कोई गर्लफ्रेंड है, ये नहीं बताता? मुझे पता ही नहीं।
दी था इस बारे में, यही उसको संभालती पालती पोसती यही आई है उसको, आपके बस की नहीं आपका बेटा संभालना। भाई ये मतलब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ आप सभी को, कुछ लड़के ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लड़कियां भी होती होंगी, कुछ आंटियां भी होती होंगी ऐसी, जो मुंह से ना बड़ी बोली लगती हैं। जैसे लड़का वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये कह रही जब मैं उससे मिली थी ना, ऐसे लगता था कि इससे अच्छा लड़का मुझे जीवन में नहीं मिल सकता। जैसे मैंने भी सोचा था कि आज कोई आंटी बैठी होंगी, प्यार से बात करेंगी, लेकिन सारे सपने सच कहाँ होते हैं? हर सपने में अड़चने तो आती ही आती हैं ना, ठीक है। इनको जो लड़का मिला था ना, वो शक्ल से बिल्कुल भोला भाला था, जैसे ना नशा करता है ना जुआ पता है, लेकिन सब पता आराम खोर को अंदर अंदर खाने। अब बॉयफ्रेंड को बुलाएंगे यहाँ पे फ़ोन करके, उसके बाद देखना क्या ड्रामा होता है, कौन किसको गोल्ड देगा या कौन किसको गोल्ड लेगा, कौन किसको जेल भिजवाएगा और कौन किसको इंसाफ दिलवाएगा, ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। नहीं पक्का ना? पक्का। मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं, क्यों मुकरूंगी? भाग तो नहीं जाओगे? नहीं। शुक्रिया। तो भाई चैनल पे नए हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें ना आपको किसी और वीडियो में नहीं दिखेंगी। ये गोल्ड इयररिंग कड़े चेन सिर्फ हमारी वीडियो में मिलती है, ऐसे ख़तरनाक चीज़ें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को करना सब्सक्राइब और एक लाइक भी कर देना आंटी के लिए, और एक कमेंट भी कर देना इनके लिए, क्योंकि ये भी हेल्प मांगने के लिए आ रखी हैं। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। कोई नहीं, फ़ोन करना एक बारी, फ़ोन करो। आ गए तुम? जी बोलो। तो यार मुझे कुछ ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? अब क्या कर दिया? देखो थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है यार, ज़्यादा थोड़े बहुत समझो यार, थोड़े। यार तुम पागल वागल हो क्या? क्या थोड़े बहुत? तुम थोड़े थोड़े करके कितने पैसे ले चुके हो? तुम्हारे कितना कर्जा उतारू मैं? बस थोड़ा ये और लास्ट है बस। मैं नहीं कर सकती यार, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है यार। बैठो तो सही। बस क्या बैठू मैं? समझो बस, ये थोड़ा बहुत लास्ट है, इसके बाद फिर कोई नहीं होगा। यार तुम्हारा ये हमेशा का ड्रामा है, तुम हमेशा यही बोलते हो कि बस थोड़ा 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 करके ठीक है, और इतने ले लेते हो, और कर्जे वाले मेरे घर पे आते वसूल करने में, कहाँ तक दूंगी इनको पैसे? ये लास्ट है यार, इसके बाद कुछ नहीं होगा यार। और जो तुमने मेरे से शादी का वादा करा हुआ है वो सब करेंगे, भी टाइम देने, रुक बस थोड़ी ये वाली प्रॉब्लम हो जाए। कब करेंगे? ना तुमने अपने घर पे बात करी ना कुछ करी है, तुम ऐसे मेरे को टिकाए जा रहे हो कि हाँ करेंगे करेंगे शादी की बात। ये वाली प्रॉब्लम हो जाए, हम शादी भी करेंगे, बस ये देख लो ये करो। मैं लास्ट टाइम तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, उसके बाद मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम अपने घर में बात करोगे शादी की? नहीं मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बस ये लास्ट प्रॉब्लम करवा दो मेरी। ठीक है मैं कर दूंगी, ठीक है कर दूंगी मैं, कोई बात नहीं। मगर इसके बाद सुन ना लूँ मैं कि हाँ कि ये सब चल रहा है, तुमने फिर से ये हरकत करी है। हेलो हेलो भाई रितेश। हाँ यार वो दिसावर पे लगवा दे 50, नहीं भाई 55 के देख ले, उल्टा कर दियो ना, या फिर एक काम कर तू कर ले 15 कर ले, उसके बाद उल्टा करवा के 51 हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाएंगी ना यार। क्या कर रहे हो, फोन रखो यार। को तो सही, दोनों कर ले भाई, ठीक है। हाँ 5,000 की यार, फोन रखो तो, मेरी बात सुनो, ठीक है भाई, तू 5,000 की कर दे, मैं पेमेंट करवा दूंगा तेरे को। हाँ ठीक है भाई, बैठो तो तुम सही। पागल वागल हो क्या? ये दिमाग नहीं है? बोला तो है लास्ट है। क्या लास्ट है? अभी तुमने मेरे से ये बोला कि मैं सब छोड़ दूंगा, मेरा कर्जा चुकाओ, अब तुम फिर से यही पैनिक क्यों? अरे हाथ मत पकड़ो, मेरे समझ में आ गई? क्यों रहे हो यार पैनिक? कह रहा हूँ मैं लास्ट बोला तो क्या करूँ यार, मैं सच में मेरा सर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी तुम्हारी इन हरकतों के वजह से। यार कर दो ये वाली लास्ट, कह रहा हूँ तुमसे, कन्विंस हो जाओ यार, इतना क्यों करवा रही हो? यही तुम्हारी हरकतों के वजह से ना आज ये दिन देखना पड़ रहा है मेरे को। मेरी गलती है ना जो मैंने तुमसे इतना प्यार किया, पता नहीं क्यों अपने दिमाग में तुम्हें बसा के बैठे, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्यों अपनी किस्मत फोड़ रही हूँ तुम्हारे साथ में। मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, मुझे माफ करो, मैं नहीं कर सकती, जितनी हेल्प कर सकती थी कर ली मैंने। सुनो इस वाले के बाद अगर कुछ हो जाता ना, मरने लग पाया तो दोस्त आ जाएंगे यार घर पे, बस जो चीज करे यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ही नहीं यार, समझ लो ना यार, मेरे लिए क्या समझ लूं यार, मैं कहां से लाऊं पैसे? समझ लो यार मेरे खातिर तो समझ मैं लो, नहीं इतना... मुझे माफ करो ठीक है, मैं नहीं समझ सकती, जितने भी थे मेरे पास सेविंग मनी, घर से पैसे मम्मी से मांग के, पापा से, ये हो गया वो हो गया, कॉलेज की फीस बनी, सब तुम्हारे कर्जे में दिए मैंने। पैसे नहीं है ना? नहीं है पैसे मेरे, अगर नंबर नहीं लगा मेरे दोस्त आएंगे तुम्हारे पास, बस समझ जाओ यार। तो फिर अपने दोस्त को भेजो मेरे पास पैसे वसूल करने के लिए, अगर तुम पे पैसे नहीं तो ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्या हूँ?
यार ये लास्ट क्यों इतना इशू? क्या लास्ट यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। नॉर्मल है, बस दोस्त आएंगे, पैसे नहीं है बाकी। तुम्हारे लिए नॉर्मल है भाई, मैं एक लड़की हूँ, मेरे बारे में भी सोचो, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे मम्मी पापा के सपने थे कुछ। यार इसके बाद हम रहेंगे तो साथ। क्या रहेंगे छोटी, बैठो तो सही यार। मेरे को नहीं लगता कि हम रहेंगे, ठीक है? जो तुम्हारा ड्रामा चल रहा ना जुआ का, कभी तुम दारू पी के जुआ खेल रहे हो, कभी कहीं खेल रहे हो, कभी कहीं खेल रहे हो, समझ में नहीं आता तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ ये लास्ट है, अगर तुम्हारे पास कोई पेमेंट नहीं। तुम अब भी कह रहे थे, अब भी मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो, अब भी जस्ट बोला तुमने कि क्या मैं छोड़ दूंगा जुआ, ठीक है? लास्ट के लिए कह रहा था यार, समझ लो, अगर तुम पे पेमेंट नहीं है तो मैं से झूठ मत बोलो, समझ में आ गया? झूठ मत बोलो बिल्कुल भी, मैं से नहीं बोल रहा यार, कह तो रहा हूँ लास्ट है यार, समझ लो ना यार। यार मेरा तो सर फट रहा है यार, ये सारे ड्रामे तुम। सुनो यार, मैं कोई क्या सुनूंगा तुम्हारा, मेरी बात सुनो, इतना इतना हाइपर मत हो, ठीक है? हाइपर ना हूं मैं तुम्हारी, ये सारी बकवास सुन के, ये इतनी कौन करता है यार ऐसी हरकतें, कौन खेलता है ये जुआ हुआ? क्या तो रहा यार, छोड़ दूंगा। कब छोड़ोगे? मतलब अभी तक तो तुमने छोड़ा नहीं है, अब कब छोड़ दोगे तुम मेरे सामने ये हरकत कर रहे? ये प्रॉब्लम हो गई ना, ये अगर नंबर लग जाता तो अच्छी बात, नहीं लगता तो बस ये छोटा से कर लो। अब पेमेंट नहीं है कोई बात नहीं, वो तुम्हारे पास आएंगे। मैं नहीं कर सकती तुम्हारी हेल्प, नहीं कर सकता, समझ लूं मैं जितना समझ चुप सकती थी समझ लिया मैंने। एक सेकंड रुको, अब क्या हो गया? हेलो, हाँ भाई, यार करा यार, तुमसे दो दिन का टाइम मांगा तो है यार, कहा तो है अरेंज कर रहा हूँ, आया हूँ कहीं पैसे लेने के लिए, सिर्फ दो दिन भाई, यार मान जाओ ना यार, इतना टाइम नहीं ले रहा, इतना रुके दो दिन और यार, उसके बाद नहीं रुके, मैंने कह तो रखी है मैं घर पे नहीं रहूँगा, गर्लफ्रेंड मेरी होगी तो यार, हाँ ठीक है। क्या था ये, मैं कहाँ से करूँ तुम्हारी हेल्प? हो गया तुम्हारा बहुत ड्रामा, क्या ड्रामा हो गया, बैठो इधर, तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ को पता है कि तुम ये सब? नहीं तुम्हें पता भी है? नहीं देने पैसे, मैं कहाँ से दूँ पैसे? पैसे पैसे नहीं देने, फिर जो मैंने कहा वो करो। ये तुम पागल वागल हो क्या? मैंने तुम्हारे लिए यार अपने सारे भाई के, यार बाहर जो मैंने कहा वो करो, ठीक है? मैं नहीं दे सकती पैसे, तुम्हारी माँ को पता है तुम जुआ खेलते हो, उनको लड़के को उनको नहीं पता होगा ना कि उनका लड़का ये जुआ खेलता है? माँ कर क्या लेगी, भगाओ उन माँ को, छोड़ो खत्म करो बात। मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती? पैसा है ठीक है, तुम्हें देना है बताओ, वरना वो यार तुम कैसे हो, मैंने कैसे इंसान से प्यार किया है, इस लड़की से मैंने प्यार करने से पहले 10 बार यार सुन लो, तुम्हें घर भेजूं, उनके घर भेज, तुम्हारे घर आएंगे वो, कर लेना यार बात इतनी सी, माँ क्या कर लेगी ये बताओ मेरे को, क्यों आएंगे मेरे से, क्या उम्मीद रखते हो यार? मैंने सब बेच दिया, अपने कान का गले का सब बेच दिया तुम्हारे लिए, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो, वो कुछ नहीं मांगे। मैं नहीं कर सकती, जो इंसान अपनी माँ को नहीं समझ रहा वो मुझे क्या समझेगा यार? माँ फिर माँ, माँ कुछ नहीं करने की भाई, माँ से मतलब नहीं है मुझे, तुम जाओ। मतलब माँ के लिए कुछ भी प्यार नहीं है? क्या माँ से मतलब नहीं है तुझे? इसी दिन के लिए पैदा करा था मैंने, हैं? जुआ खेलता है तू, शराब पीता है तू, मम्मी ये क्या कर रही है लड़की? देख लो ना आप कि कितना कर्जा चढ़ाया हुआ तूने। मम्मी सुन, इन्हें क्यों बुलाया? सट्टा लगा रहा है बैठे बैठे। नहीं मम्मी सुन तो, नहीं कुछ नहीं कर रहा, सब बैठो। आप भी बोल रहे थे ना कि आ रहा तूने, अभी मैंने सब सुन लिया, पीछे खड़े होकर तू क्या क्या कर रहा था? आप भी कह रहे माँ से कोई मतलब नहीं, इसी दिन के लिए मैंने पैदा किया था तुझे? नहीं मम्मी, ये सब मेरी आज मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है इस लड़की के आगे, मुझे ही पता है, ये सब से कह रही थी, मैं यकीन नहीं कर रही थी, ये सब फेक है, पर मुझे यकीन बिल्कुल नहीं था, पर मैंने कहा यार मम्मी को क्यों बुलाया, मैं देखूंगी तुझे, बुलाना पड़ा मुझे। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती तुझे बिल्कुल भी? बिल्कुल बेशर्मी है, अरे हद करके रख रखी तूने। आप भी बोल रहे थे ना कि आपका लड़का ऐसा नहीं है यार, उस लड़की को मैंने क्या क्या सुनाया, मुझे माफ करो, तेरी वजह से कि नहीं मेरे बेटा ऐसा नहीं है, मेरे बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बैठ तो जाओ। झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है वो, अब भी कह रहा है मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। काय का कर्जा कह रही है फिर? काय का कर्जा है तेरे ऊपर ये बता, काय के पैसे दे रही है वो? आप ही बोल रहे थे ना कि आपका बेटा ऐसा नहीं है, देख लो अब इसकी असलियत। क्या ऐसा क्या करेगी? नहीं चेंज कराऊंगी तुझे, ये क्या करेगी, नहीं कराऊंगी, सुधारने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं थक चुकी हूँ, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे ये सब। उस लड़की के सामने ऐसा कुछ नहीं है, यकीन कर लो मेरा। कितने का कर्जा कर रहा है, कितने का कर्जा है इसके ऊपर? मुझे नहीं पता, आप बस
जो भी है मेरे माँ बाप ने जो मुझे प्यार से दिलाया था वो मुझे वापस कर दो बस। लड़ रही थी मैं कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो लड़का इतना शरीफ है बिल्कुल वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, ना पत्ते खेलता ना जुआ ना शराब, तू जब दारू या सट्टा लग रहा है फोन पे सट्टा। अभी मैंने सुना अभी मेरे से बोला इसने, आपने देखा ही होगा कि ये मेरे मैं सुधर जाऊंगा ठीक है, और अभी फोन पे बैठे बैठे कह रहा कि ये लगवा दे वो लगवा दे। मैं कहां तक आंटी, मैंने प्यार करके कोई गलती तो नहीं की ना मैं, सच्चा क्यों कह रही हो झूठ, मैंने कहां करी है बात झूठ, अभी मैं झूठ बोल रही, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? अरे कम से कम अपनी बाप की इज्जत की थोड़ी सी तो परवाह कर लेता, कि तूने करे क्या है, क्या जरा सी भी फीलिंग नहीं है क्या इस दिल में मेरे लिए, कुछ भी फीलिंग नहीं है, दो साल से हम पागल है कि जो साथ में हूं मैं तुम्हारे, आस पड़ोसी वाले क्या बोलेंगे जब कर्जे वाले रोज सर पे खड़े रहेंगे कि हमारा कर्जा उतार, शर्म नहीं आई तुझे जुआ खेलते समय सट्टा लगाते समय, समझ में नहीं आ रहा इतना पैसा है तेरे बाप के पास तुझे तो तू बर्बाद कर रहा है, पता नहीं मैं क्यों ही आई, पूरी रिश्तेदारों में नाक कटा के मेरे, मैं सुनी के अच्छे से अच्छी लड़की देख के तेरे लड़का ढूंढो, वो कह रही लड़की दो साल से उसके साथ रह रहा है और मुझे बताया था नहीं, मुझे क्या कल कर रहा है, कर क्या रहा है घर में, अच्छा कब बताएगा, कब बताने वाले थे, कब बताएगा, मैं इसको कब से कह रही हूँ एक साल से बोल रही हूँ, कम होती है वो मुझे इतनी बुराई है, मैंने मेरे मैं उल्टा उससे लड़ रही, शर्म कर रही, अरे बेशरम तुमने तो मेरा नाक कटा के रख दी बिल्कुल हद कर दी, आप मुझे बस मेरी चीजें दे दो आंटी दिलवा दो प्लीज, मेरे को मेरी चीजें दे दो जो मेरे माँ बाप ने दी थी, क्या के लिए शादी करनी होगी तो कर लेना वरना मुझे बता दो अगर सुधर जाओगे तो, वरना मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, मेरे माँ बाप मेरे से पूछ रहे बेटा सब कुछ कहाँ गया, मैं क्या जवाब दूँ उनको, क्या भेज दिया लेके इससे बताता क्यों नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहाँ गया, सब जुआ में भा दिया, जुए वाले मेरे घर पे आते हैं, कहाँ तक दूं मैं, सोचा नहीं था हे भगवान मैं क्या करूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में, आप भी कह रहे थे ना आप भी, आप मुझे बोल रहे थे कि ऐसी लड़की है वैसी लड़की, देख लो आपका लड़का कैसे कर रहा है जुआ खेल रहा है, आप तक यकीन नहीं आ रही क्या कर, क्या चुप हो जाए, क्या संस्कार दिए आपने, मेरे माँ बाप ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए, ये देख लो आपके संस्कार, देख तेरी माँ की इज्जत उतार रही है वो तेरे सामने, क्योंकि सिर्फ तेरी वजह से, तू ऐसा ना होता ना वो मुझसे बोल उसकी, अभी खुद ही कह रहा था आपके लिए कह रहा था की वजह से कि मेरी माँ कोई मैटर नहीं करती है ना, पत्ते के चक्कर में उस लड़की का जेवर, क्या प्यार, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करोगे तुम, तुम अपनी माँ की इज्जत नहीं करो तो मेरे को क्या समझोगे, मेरे माँ बाप की इज्जत क्या करोगे तुम, मुझे शर्म आ जाए यार मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार करा, तूने हम लोगों की है ना एक बेटा था भगवान ने एक बेटा इतनी मुश्किल से दिया, ऊपर से तूने ये जुआ शराब सट्टा, कोई और ऐप रह गया है तो बता दे वो भी कर ले, ऐसा कर नहीं घर का ये बता दो, घर का तुमने अपने घर का भी बेच दिया हुआ कुछ ना कुछ जरूर है ना यार, क्यों इतना, मैं तो रहती नहीं हूँ यहाँ पे, मैं तो घूम कर चली जाती हूँ अपने काम से, और ये पता नहीं पीछे क्या कर रहा होगा फिर, मैं ये सब नहीं करना तो मम्मी को क्यों बुलाया, मम्मी को क्यों बुलाया, मुझे मजबूरन बुलाना पड़ा क्योंकि तुम्हारी हरकत मुझे सही नहीं लग रही थी, एक हद होती है एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, सब पार हो गई सर से ऊपर चली गई, अब इतना नहीं कर सकती, कितना करूं प्यार में जितना कर लिया कर लिया ठीक है, तू बता तू क्या कर रहा है इसके लिए, क्या करा है, हाँ तुमने क्या करा मेरे लिए आज तक, कुछ करा है सिर्फ कर्जे वाले को अपने घर पे भेजे, इसका कर्जा चढ़ा दिया, ये कह रही मेरा जेबर देख के खा गया तू, अरे शर्म कर ले थोड़ी बहुत शर्म बची है तेरे, मुझे कहता जॉब लगवाऊंगा, जॉब लग सब छोड़ दे, जॉब लग गई तुम्हारी, इस प्रॉब्लम का सब कुछ हैंडल हो जाता है, क्या प्रॉब्लम हैंडल, जॉब लग गई तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला कि मेरे जॉब लग गई है, कि मेरे को इतने पैसे दे दो उतने दे दो, मैंने इसको इतने पैसे दिए जो भी थी मेरी जॉब से सैलरी आई थी है, और ये आज ये देख लो क्या दिन दिखा रहा है मेरे को, क्या करूं मैं तेरा मुझे ये बता दे, अब कैसे सुधरेगा ये बता दे, जेल डलवाऊं तुझे, डंडे पड़वाऊं पुलिस से, क्या करवाऊं, आज तूने जो मेरी नाक कटवाई है इस लड़की के आगे, मैं मजबूर हो गया था, अच्छा क्या मजबूरी, पत्ते खेलने के लिए मजबूरी हो गई, ऐसे घर का है तू है, हद हो गई तेरी बेशर्माई की, आप ही देखो ना आंटी, आप ही मेरे को बोल रहे थे ना, मैंने देख लिया मुझे ना? मेरे बस जो भी मेरे माँ बाप ने चीज दी है मुझे मेरे को वो दे दो प्लीज, हाथ जोड़ रही मैं आप दोनों के आगे, बाप कम था मैं जो तू भी चल दिया उसी रास्ते पे, मैं परेशान हो गई उससे बहुत ज्यादा, बाप कम पीता है जो तू भी सट्टा शराब जुआ और कोई ऐप रह गया तो कर ले, मैंने सही नहीं किया, जान ले तू, अभी भी बोल रहे मैंने सही नहीं किया, ये लास्ट प्रॉब्लम थी यार, अच्छा देखो अभी भी प्रॉब्लम दिख रही है, सेटल हो जाते हैं हम दोनों, अरे तुम्हारे अंदर दिमाग उमाग नहीं है क्या, मतलब मेरे से प्यार नहीं था कि मेरे से पैसों के लिए थे,
जो भी था सब जुआ जुआई खेलना था। मेरा बेटा तो जुआ नहीं खेलता, मेरे खानदान में तो जुआ किसी ने नहीं खेला। अब पता लग रहा है कि इसका आदमी भी जुआरी था। लो वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छी आपकी माँ ने बुलाया मुझे यहाँ पे, मतलब क्या करिए, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो भाई तेरे भाई की साड़ को डंडा वंडा मिल गया ना, तेरा सर तोड़ दूंगा। ये तेरे बाप की नौकर है क्या, तेरे से आए दिन तेरे पैसे वसूल करेगी है? जुए में हार के तू आ पैसे ये वसूल करती। हाथ नीचे, कोने हाथ हाथ नीचे मुन्ना, हाथ नीचे यार, हाथ छोड़ो, हाथ नीचे कर लो पहले आप कर ही लो। नहीं छोड़ रहा मैं, कर लो, नहीं छोड़ रहा। नहीं कौन है इनको पहले बताओ, मैं कौन हूं, कौन है इनको बताओ। शांति, जितना प्यार से रहोगे देख लो अब कितना पता लग गया आपकी। पहले आप अच्छे से कर ही लो। मैं भी करूं, मैं भी करूं, क्या करूं एक बार भाई, खड़े हो जा। कौन बकवास कर रहा, साढ़े तेरा हाथ काट दूंगा तेरा। मुझे ये बता दे मेरी इज्जत तूने क्या करके रख दी। ये कौन है, कौन हूं मैं बता ना। मैं क्या करूं, ये कौन है, आप क्या करूं बता। कौन है, गर्लफ्रेंड है तेरी, दो साल से पाल रही है तेरे को, जुआ तू खेले, जुआ कौन खेलता, यही खेलते हैं जुआ। साढ़े जब पैसे हार जाओ उसके बाद बोलो मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, उससे जाके पैसे वसूल कर लो। और अभी भी मेरे बैठे बैठे ने ठेका उठा रखा, कौन है, अरे इसको बता रही है, नहीं बता रही तू, ये बात तूने करा क्या है, तुम क्या कह रही थी, तुम क्या कह रही थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा दूध का दुला हुआ, ये दुला हुआ। खड़ा हो जा नवाज, किसका फोन आ रहा था, कहाँ पे नंबर लगा था है? अभी इसको क्या कह रहा था, शादी करूंगा आज के बाद, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, उसके बाद नंबर लगा रहा है। अब भी बोला इसने, तेरी माँ ने बुला रखा, अपनी माँ से पूछ, अपनी माँ से पूछ, क्या मैटर है, पूछ अपनी माँ से पूछ जल्दी। इसने बुलाया था, ये परेशान थी, तूने इसके इसका जेबर बैग खाया ना, मुझे यकीन नहीं था इसलिए बुलाया कि देख देखती हूं ये सच बोलता है झूठ बोलता है। दे तो देता मैं शादी के बाद, क्या दे देते शादी के बाद, क्या दे देते, अभी तुम्हारी माँ मेरे पे इंतजार लगा रही थी सारा, तो तू जुए में हार गया, कहाँ से दे देता, कहाँ से दे देता, तू घर फेंक दू। अबे तेरी ये क्यों, ये क्या, इधर देख लो सामने कैमरा, उधर बकवास कर रहा, झूठ बोल रही है तेरी माँ, तेरी माँ ने बुलाया, ये कैमरा भी तेरी माँ ने लगवाया, कह रही मेरे बेटे को मत बताना, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था इसलिए लगवाया। देख तेरी माँ ने बोला, क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों रिकॉर्ड, अरे अब किस लिए, अब किस लिए, माइक निकालो, क्यों रिकॉर्ड ऑफ क्यों कराए, क्यों रिकॉर्ड ऑफ कराए नाना, क्यों करवाए बोल। नहीं यार नाना, इधर रे, तेरे जुए वाला यहाँ पे चक्कर नहीं चल रहा, या दूसरा जुआ चलता, और एक इधर शांति, यहाँ पीछे पीछे समझ आ रही है, यहाँ का दूसरा हाल अगर जुआ स्टार्ट हो गया ना, तो जुआ खत्म नहीं होता, यहाँ का फटाफट पड़ता रहता है, समझ आ रही है तेरे, तो शांति में रहियो थोड़ी, कहीं पूरा तेरा सिस्टम हैंग ना हो जाए। हाँ बता, जुआ कौन खेलता, मैं खेलता हूँ जुआ, तू खेल, जब जुआ तू खेलता है हारता तू है, तो अपने दोस्तों को यूं क्यों बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के पास जाके पैसे वसूल कर लो, तेरा ठेका उठा रखा है इसने, अपनी माँ से लेके दे पैसे, तेरी माँ है, तुमने चढ़ाया क्या, क्या चढ़ाया पहले यार, सारी बात चढ़ाया का मतलब क्या होता है, उसको चढ़ाया क्या यार, भैया इधर आओ यार, बुला रहे हो भाई, आओ यार एक बार आओ, तो पब्लिक को क्यों भाई, वीडियो बना रहे हो, एक बार आओ तो सही भाई, एक बार आओ तो क्यों, अरे उनको भी तो पता लगे कि कितना बड़ा घिरा हुआ इंसान है तू, हैं जुआ खेलता खुद है, जब पैसे भरने की बारी आती है तो अपनी गर्लफ्रेंड को आगे कर देता है, तेरी माँ को आज तक ये नहीं पता कि तू जुआ खेलता, तेरी माँ को अच्छी बात है, देखेंगे वो भी तो देखेंगे कैसा लड़का है, लो ये खेलता जुआ दिखाओ, ये देख लो ये खेलता जुआ, देख लो क्यों, ये देख लो ये जुआ खेलता, और जब हार जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को आगे कर देता, कितनी अच्छी बात है, और ये माँ ना होती तो ज्यादा, इधर इधर तो आओ, और ये माँ क्या बोल रही थी तुम्हें, कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं दिए, ये संस्कार दिए, अपनी औलाद संभाली नहीं जा रही, दूसरी की औलादों पे आगे पता है क्या कर रही है, टुंग 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 टुंग, भाई हम जो भी कर रहे हैं, इधर आओ इधर इधर, अब दिमाग में टेंशन हो गई, अब दिमाग में दर्द हो रहा है क्या, एक काम करो, मैं डॉक्टर बोला भाई, या पार्क में कोई दिमाग का डॉक्टर है क्या, कुछ दिमाग में कोई डॉक्टर नहीं है क्या, बुलाओ किसी को दिमाग खुलवाने के लिए आपका है, दिमाग बार उसको पकड़ो ना, थप्पड़ मारो इसको, चप्पल का है आपकी, चप्पल काम नहीं कर, चप्पल काम नहीं करती क्या, चप्पल काम नहीं करती क्या, मैं दू अपना जूता उतार के, अच्छा इनके कहने में आ रही हूँ, इसके कहने में आ रहे हो, इसके कहने में आ रहे हो, है
शादी करवाओगे इस जुआरी के साथ अपने बेटे की किसी के साथ? यार हम अभी देखना सारे लोग देखना रिश्तेदारी में इसके रिश्तेदारी में सारे लोग देखना जुआ खेलता। अगर कल के दिन किसी की बेटी के साथ शादी कर लेगा ना तो उसकी बेटी को बोलेगा कि मतलब जुए वालों को कि जाओ मेरी वाइफ से पैसे वसूल कर लो, इतना गिरा हुआ ये। अरे क्यों हुआ? क्यों कर रहे यार, तुम क्यों कर रहे हो? तेरी माँ ने बुलाया मुझे, पूछ ले अपनी माँ से, अपने पहले माँ से बात कर, पहले अपनी माँ से बात कर फिर मेरे से बात कर। नहीं हो रहा पीछे, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा पीछे, तेरी माँ ने बुलाया पीछे हो यार, नहीं हो रहा, हाथ छोड़ो, नहीं छोड़ रहा, मुझे मत बोल, अपनी पहले माँ से बात कर, पीछे हो यार, तुमसे बात नहीं हो रहा, मैं पीछे चल माँ से बात कर, कर हाथ मत लगा मेरे, समझ आ रही है, बात कर अपनी माँ से, मत कर, अब तो आवाज नहीं निकल रही तेरी माँ की, बात कर, क्यों करो, तूने अपनी माँ की ऐसी तैसी कर दी, तूने अपनी माँ को बोला कि घर से गोल्ड चोरी कर रहा हूँ, है दूसरों के घर का पूरा गोल्ड बिकवा दिया, कुछ भी नहीं बचा, ये लोग है घर का पूरा सोना बिकवा दिया, वो वहां तेरे को शर्म नहीं आई? अभी भी कह रहा भाई 5,000 रुपए का एक नंबर लगा दो मेरा, 5,000 तेरी जेब में भी पड़े हुए, जेब में एक रुपया नहीं पड़ा, सट्टे चल रहे हजारों रुपए के, बहुत बड़ी गलती करी है मैंने इससे प्यार करके जिंदगी पता। ये वो लड़के होते हैं जिनके जेब में कुछ नहीं होता और गर्लफ्रेंड को ये बोलते हैं कि बेबी मैं आपको ना 15 प्रो मैक्स दिलवाऊंगा और अकाउंट में पता है कितने रुपए पड़े होते हैं, 25 रुपए मात्र। यार तुम क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों ना बोलूं मैं, तेरी मम्मी ने बुलाया मुझे, मैं तो कुछ भी बोलूंगा, क्यों बुलाया? तेरी मालिक कौन है? तेरी मम्मी तेरी मालिक है और तेरी मम्मी ने मुझे पूरा वो दे रखा, इतनी सी बात, इनके घर का पूरा गोल, अपना हाथ दिखाओ, कुछ ये देखो, ये वो वाली है 20 रुपए वाली, दिल वाली, लव वाली, क्योंकि मम्मी पूछ रही थी कहाँ गई, क्या बोलती मैं उनको, नकली पहन के घूम रही है, गोल्ड तूने बेचा खाया है उसका, तेरे चक्कर में, तेरे चक्कर में पार्क के सारे बच्चे रो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आज तक हमने ऐसा लड़का देखा ही नहीं, बताओ यार, इसको पकड़ो, इसकी मुंडी पकड़ो, इसको थप्पड़ मारते हुए यहाँ से लेके जाओ, नहीं तो मैं आपको थप्पड़ मारता हुआ लेके जाओ, इसको थप्पड़ मार, इधर 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 वाले गेट से, इधर वाले सारे अच्छे लोग होते हैं, इधर से लेके जाओ इसको, थप्पड़ मार नहीं रहे, थप्पड़, चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ, मारो इसको, बस तमीज कहीं का, लेके जाओ इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, माँ भी मिली पड़ी है, मैं क्या कह रहा हूँ, माँ भी मिली पड़ी है, जाओ ना उसके साथ, जाया नहीं जा रहा है, माँ को मिल रहे होंगे ना उसमें से थोड़े बहुत पैसे, 10-20 रुपए माँ भी ले रही होगी, आप मेरा वो तो दिलवा दो, क्या वो बग गए, देख लो चोरों की तरह, उस टाइम पे याद नहीं थी आपने, बोल तो रही कोई सुनी नहीं रहा जब से, वो देख लो पैसे लेके बग गए, मैंने कहा गोल्ड दे देना, गोल्ड भी नहीं दिया, मैं क्या बोलूंगी, आओ 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 आओ, ओ हेलो आंटी, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ जल्दी, इधर आओ, इधर इधर, इसका गोल्ड कौन देगा, इसका गोल्ड कौन देगा, इधर आओ, है थोड़ा आवाज निकालो, आवाज नहीं आ रही मुझे, उसको बुला लो अपने बेटे को, नहीं दूंगी, मेरे को मेरा चीज दे दो, इधर आ, इधर आओ, नहीं तो सबके सामने थप्पड़ खाए, थप्पड़ ही थप्पड़, इधर इधर इधर, अरे इधर, हां हिल मिल मत, इसका गोल्ड कौन देगा, यहाँ खड़ा हो, नहीं है आओ, हां यहां ना आओ, हैं पैसे ऐसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे कहां चले गए, कहाँ गए जो मैंने दिए हैं, जो चीजें ली थी तुमने, कहाँ है वो, सब बेच दी जो है, मैं क्या बोलूँ घर पे अपनी मम्मी को, कर्जा चढ़ गया, कब चढ़ा कर्जा, मैडम आप तो बड़ी बातें कर रहे थे, क्या दे के जाओगे अपना गोल्ड का, ये तो बताओ, हाँ जी ले लो इससे कुछ, अभी दो आंटी मेरे को तो अपने घर पे ले लो, ये गोल्ड का कड़ा ले लो, कान में नहीं है मेरे, ना ना को, आप पे क्या भरोसा करें हम, आप पे क्या भरोसा करें हम, तो बोलो अपने मम्मी को, कान में क्या भरोसा करें भाई, आजकल कोई किसी पे 1 रुपए का भरोसा नहीं करता, तुम पे हम इतने लाखों का भरोसा थोड़ी ना करेंगे, ऐसा क्या है आप में, या घर की प्रॉपर्टी के पेपर दे के जाओ अपने, शर्म कर ले, तेरी माँ के कड़े उतर रहे हैं, उतारो उतारो दिखाओ, तेरी जुए की वजह से शर्म आ रही है थोड़ी बहुत, ये लो जी गोल्ड का कड़ा आप रख लो जब तक, बाकी जब सामान दोगे अपना कड़ा लेके जाना, अपने बेटे की गुद्दी पकड़ो और लेके जाओ इसको यहाँ से, चलो लेके जाओ इसको शांतिपूर्वक लेके ही जाओ, आओ बताओ यार, गोल्ड चोरी कर लिया बताओ लड़की का, अच्छी बात है भाई, बुरी बात है ना, बात तो बुरी है ना यार, भाई लट क्या मारे, उसकी माँ को बुला लिया था हमने यहाँ पे, भाई अगर चैनल पे नए हो ना तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ये देख लो उसकी मम्मी का गोल्ड का ये मामला ले लिया हमने, जब बाकी सारे सामान मिल जाएंगे ना फिर इसमें दिख रहा होगा, इसमें बैकग्राउंड काला है ना, गोल्ड का पूरा ले लिया, ये रख लो तुम अपने पास जब तक, भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना,
भाई लोग पता है क्या करते हैं, हेल्प मांगने आ जाते हैं, उनको सामान मिल जाता है, थैंक यू बोल देते हैं। ये नहीं बाहर ही एक वो है सोडे की दुकान, कोई सोडा पिला दे, कोई नहीं करता, बस अपना काम पूरा हो जाता, अपना काम पूरा। यूं भी नहीं पूछते कि आप पानी पियोगे, गला सूख गया होगा, कोई नहीं। मैं आपको कॉफी पिला देती हूँ, चलो आओ, कोल्ड कॉफी पियोगे, क्या पियोगे, आओ आओ।